आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक बुलाई है, जहां नीतीश कुमार तमाम सांसद, विधायक, तमाम पार्टियों के जिला अध्यक्ष और एनडीए में जितने घटक दल हैं उनके सभी नेताओं को बुलाकर नीतीश कुमार आज बड़ी रणनीति बनाएंगे। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने पर मंथन किया जाएगा। बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, यहाँ पर एनडीए अपनी जीत कैसे मुकम्मल कर सके और इसके साथ साथ 2025 में विधानसभा चुनाव की भी रणनीति बनाई जाएगी। आज इस बैठक में एनडीए में शामिल जेडीयू के अलावा बीजेपी, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इसके अलावा हम, इन तमाम पार्टियों के नेता, इन तमाम पार्टियों के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और जितने महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा और उसके बाद कैसे समन्वय स्थापित किया जा सके, एनडीए में शामिल जितने घटक दल हैं उन घटक दलों में जितने नेता हैं उन नेताओं के बीच कैसे समन्वय स्थापित किया जा सके, यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता जेडीयू के कार्यकर्ता के साथ कैसे समन्वय स्थापित करेंगे और एक साथ मिलकर कैसे 2025 के मिशन को पूरा करेंगे, इस मुद्दे पर भी आज चर्चा होनी है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, इस योजना को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, लोगों के पास कैसे ये बड़ा मैसेज देना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लिए कितना काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के लिए कितना काम कर रहे हैं, बिहार को कितना मदद दे रहे हैं, इस बात को लोगों तक पहुँचाना है। आज इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के अलावा बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की भी मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा बाकी जो घटक दल है, चाहे रामविलास लोजपा और फिर राष्ट्रीय लोजपा, इन दोनों के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतनराम मांझी और इसके अलावा कई नेता की मौजूदगी इस बैठक में होने वाली है, जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे अहम मुद्दा ये है कि बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है और इस उपचुनाव में कैसे जीत हासिल की जा सके, इस पर भी चर्चा होगी। तरारी, इमामगंज, बेलागंज और इसके अलावा रामगढ़, ये 4 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव हो रहा है, 13 नवम्बर को मतदान किया जाएगा और वहाँ पर कैसे जीत हासिल की जा सके, क्योंकि ये 2025 के विधानसभा चुनाव का सेमी फाइनल माना जा रहा है। यहाँ पर अगर एनडीए जीत हासिल कर लेती है तो 2025 उतना मुश्किल नहीं होने वाला है। 2025 में मनोबल मजबूत होगा और अच्छे तरीके से कार्यकर्ता, नेता और तमाम पार्टी के जितने सदस्य हैं वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और जीत हासिल करेंगे। आज की बैठक का उद्देश्य यही है कि अब से ही 2025 के विधानसभा चुनाव में लग जाना है, अभी से तैयारी करनी है ताकि 2025 मुश्किल ना रहे, 2025 में जीत मुकम्मल की जा सके। आज सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर जेडीयू के तमाम नेता, बीजेपी के सभी नेता और इसके अलावा एनडीए में जितने घटक दल हैं उन तमाम घटक दलों के नेता के साथ आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अहम बातचीत करेंगे। इस बातचीत का तात्पर्य यह है कि किस तरीके से जीत हासिल किया जा सके और राजद को कैसे मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा सके। बताते चले हम आपको कि मौजूदा समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर लगातार राजद हमलावर है। कल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। लगातार हिना साहब और शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को पार्टी में शामिल कराने के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन आखिरकार कल कोशिश का फल निकला। जितनी मेहनत लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने हिना साहब को मनाने में लगाया था वो मेहनत कामगार साबित हुई और कल हिना साहब और उसामा साहब पार्टी में शामिल हो गए। राष्ट्रीय जनता दल और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ये बड़ा चैलेंज होगा, एनडीए के सामने ये बड़ा चैलेंज होगा और इस वजह से और इस बैठक में ये भी रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से
राजद को कमजोर करके अपने आप को मजबूती से चुनाव में प्रदर्शन करने के लिए बेहतर काम किया जा सके। चुनाव में किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन हो, इसके लिए क्या क्या करना होगा, किस किस बिंदुओं पर काम करना होगा, जितने कार्यकर्ता होंगे उनकी क्या भूमिका होगी, जितने सांसद होंगे वो क्या करेंगे, और इसके साथ साथ विधायक अपने क्षेत्र में किस तरीके से लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, इस बात पर भी आज चर्चा होनी है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाएंगे, कई सारे महत्वपूर्ण एजेंडे को लोगों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तमाम कार्यकर्ता, एनडीए में जितने घटक दल हैं उनके तमाम नेताओं के साथ ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर नीतीश कुमार को फिर से कैसे 2025 में मुख्यमंत्री बनाया जा सके, इस पर मंथन किया जाएगा। आज की बैठक कई मायनों में बेहद ज़्यादा अहम है। 11 बजे सुबह सीएम आवास पर बैठक होगी, जहां पर धीरे धीरे करके तमाम नेताओं का आना शुरू हो जाएगा, और जब सभी नेता पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इस अहम बैठक को किया जाएगा। इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं ये हम आपको जरूर बताएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है, और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूँ। प्रणाम। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।